मेंटेनेंस की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है क्रेस्ट फोरम चैनल पर। बहुत अच्छे से सिलेक्शन आपका होगा अगर आपने नॉन टेक डील कर ली तो। हालांकि मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप जेईई या एससीटीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नॉन टेक थोड़ी ज्यादा रोल निभाती है इन कंपैरिजन टू टेक्नीशियन एग्जाम में। मैं आपको इस चीज का पेपर पैटर्न से एक अंदाजा बता देता हूं, पर उससे पहले थोड़ी सी बात सुन लीजिए। जीरो टू हीरो बैच है ना, यूपीएमआरसी के लिए सबसे बेस्ट बैच है। आपको बता दूं कि इसका स्टडी मटेरियल भी हिंदी में अवेलेबल है, अगर आप मंगवाना चाहें तो इन नंबर्स पे मंगवा सकते हैं। और इस मटेरियल में क्या रहेगा, जो इस लेक्चर्स में चल रहा होगा वही सब इस मटेरियल में रहेगा। आपको लेक्चर्स देखने हैं और बस मटेरियल में टिक मार्क करता हुआ चलना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन जल्दी होगी, कम समय में ज्यादा पढ़ सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा 8 सब्जेक्ट का, आप पढ़ रहे हैं, कोई भी समस्या आए आपको मालूम है कि आपने बैच में देखना है, क्योंकि जो भी हमने यहां पर लिखा हुआ है वो सबका वीडियो आपको इस कोर्स में अवेलेबल है। अब बात करते हैं थोड़ा पेपर पैटर्न समझ के। जीए जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश 5, एप्टी रीजनिंग 10 और टेक्निकल 75। बहुत ज्यादा रोल इसमें मैं मानता हूं मेंटेनर के लिए यूपीएमआरसी में नॉन टेक को लेकर ज्यादा रोल नहीं रहता है, पर फिर भी देखो कहते हैं ना तिनका तिनका करके जो है चीटी चलती है सामान लेके, वैसे ही एक एक नंबर बढ़ा के तब जाके बेटा कोई सिलेक्शन की तरफ नंबर हमारे बढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस में आएंगे, देखो जनरल अवेयरनेस एक पूरा समुद्र है, उस समुद्र में क्या चीज पूछेगा क्या नहीं ये कोई कुछ कह नहीं सकता। बट एक बात है कि करंट अफेयर का फिक्स है भाई, करंट अफेयर 2-3 क्वेश्चन आपको आने ही आने होते हैं, आप 1-1.5 साल का करंट अफेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जो फिक्स चीजें मैं पहले वो बता रहा हूं, ठीक है। आप एक मॉडर्न हिस्ट्री करिएगा, आप एक मॉडर्न हिस्ट्री जरूर करिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री एक बार को मैं बता दूं केवल आप कुछ नहीं 100-200-300 क्वेश्चन यूट्यूब पर कहीं लगा लीजिएगा, और पॉलिटी आप जरूर लगा लीजिएगा जो यूट्यूब के टॉप एमसीक्यूज जो होते हैं सेशंस उनसे। बाकी चीजें आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे, टाइम खराब ही करोगे। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते हैं, प्रीपोजिशन या कंजक्शन, मतलब एक लाइन दे देगा उसमें डैश लगा देगा, उसमें इन द आर फॉर ऐसी ऐसी चीजें आपको भरनी होंगी। ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको जितनी इंग्लिश आती है वो इंग्लिश उतनी उसी समय कर पाएगा, और फिर पैराग्राफ रीडिंग भी आती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पैराग्राफ आपको 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें लाइन को अरेंज करना है, मीनिंग बन जाए ताकि। तो इसमें क्या रहेगा मैं आपको बता दूं कि फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये इंग्लिश में टाइम देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं है। एफटी रीजनिंग की मैं बात जरूर कहूंगा, देखो एफटी और रीजनिंग दोनों मिला के 10 नंबर का है। इसमें आप रीजनिंग बड़े आराम से कर लेंगे, कोई टफ रीजनिंग नहीं आती, बट एफटी में ये टॉपिक लगातार देखे जा रहे हैं बेटा, क्या करूं, यूपीएमआरसी के फेवरेट टॉपिक है। मैं पेपर एनालाइज करने के बाद आपको ये सब चीजें बता रहा हूं, कोई ऐसे नहीं बता रहा। यूपीएमआरसी के लिए जेई में चले जाओ तो ये टॉपिक फेवरेट है, और टेक्नीशियन में चले जाओ तो भी फेवरेट है। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स है ना, आपको मालूम है कि कोई पाइप लीकेज कर रहा है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और फॉर्मूले याद करके जाना ज्योमेट्री के जो होते हैं, जिसमें कि कोण, ट्रायंगल के एरिया वगैरह, सरफेस एरिया के फॉर्मूले, ये इन पर क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछता है, ज्यादा अंदर तक नहीं पूछता। मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इस 10 में से आप 6-7 नंबर ले आते हैं बेस्ट है, इस 10 में से 2 नंबर आप ले लो, और इस 5 में से अगर 1-2 नंबर, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, तो 2-2 4 और 4 और 6 10 से 12 नंबर अभी अगर आपके आ जाते हैं टोटल 25 में से, तो बेटा आपके नंबर अच्छे ही काउंट में माने जाएंगे, आपको सपोर्ट ही करेंगे। पर मेजर रोल यहां टेक्निकल निभाएगा, और जिसको हमने बहुत अच्छे से बेटा जीरो टू हीरो बैच में कवर कर रखा है। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझसे संपर्क करेंगे इस नंबर पर, या फिर टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, मुलाकात करेंगे वहीं।